Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all will be fine at your home. Students, this is your math class. Now take out your math book. Now open page number 18. Students, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Rounding of numbers. क्या पढ़ेंगे? Rounding of numbers. Students, rounding of numbers क्या होता है? Students, जब हम लोग कोई भी counting, ठीक है, कोई भी numbers बिना count किए approx value किसी भी चीज़ की बताते हैं तो वो क्या होता है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट वैल्यू किसी भी चीज़ की बताते हैं तो वो क्या होता है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स. जैसे हम लोग पूछते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने काउंट नहीं किया और क्या बता दिया, अप्रॉक्स बता दिया कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. क्या होती है, हम लोगों ने बता दिया कि लगभग हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं. ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि आपके बॉक्स में कितनी टॉफ़ीज़ हैं, आपने बता दिया मेरे बॉक्स में 60 टॉफ़ीज़ हैं. ठीक है, तो आपने एक टॉफ़ीज़ को काउंट नहीं किया है, बट आपने एक अप्रॉक्स वैल्यू बता दी बिना काउंटिंग के. ठीक है, कि क्या है, हमारे मेरे बॉक्स में 60 टॉफ़ीज़ हैं. स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को, ठीक है, बिना काउंट किए, किसी भी नंबर्स को बिना काउंट किए अप्रॉक्स वैल्यू बताते हैं, एस्टिमेशन करते हैं नंबर्स का, तो वो क्या होता है, राउंडिंग ऑफ वैल्यू होती है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10. अगर स्टूडेंट्स, हम लोगों को नियरेस्ट टेंस वैल्यू पता करनी है, ठीक है, कि कोई भी नंबर नियरेस्ट 10 कितना है. जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 22, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 22 किसके नियरेस्ट है. आपके बुक में एक नंबर लाइन भी दी गई है, ठीक है, 20 से लेके 30 तक. तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, then 30. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपसे, 20 से लेके और 30 तक आपकी काउंटिंग दी गई है. स्टूडेंट्स और पूछ रहा है कि ये जो 20 नंबर है ये किसके नियरेस्ट है. स्टूडेंट, तो आप लोग ऐसे नंबर लाइन पे देखने पे आपको लग रहा होगा कि 20 किसके पास में, टेंस वैल्यू दो दी गई है ना, एक 20 दिया गया है और एक क्या दिया गया है, 30 दिया गया है. दो टेंस दिए गए हमारे पास में, एक 20 और एक 30. अब ये जो 22 है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा कि किसके पास में, स्टूडेंट्स 20 के पास में है. किसके पास में है, 20 के पास में, और 30 इससे काफ़ी फार है, काफ़ी दूर है. ठीक है, तो 22 किसके नियरेस्ट है, 20 के. ये तो आपको नंबर लाइन पे हो गया, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ 22 किसके नियरेस्ट है, तो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे है 22, इसका ये वंस प्लेस है और ये स्टूडेंट्स टेंस प्लेस है. वंस प्लेस क्या है, 2. नियरेस्ट 10 स्टूडेंट जब हमको पता करना होता है तो हम लोग कौन से नंबर को देखते हैं, वंस प्लेस को देखते हैं. ठीक है, कौन से डिजिट को देखते हैं, वंस डिजिट को देखते हैं. वंस डिजिट पे क्या है स्टूडेंट्स, 2. 2 क्या है, लेस देन 5. 2 क्या है, लेस देन 5, 5 से छोटा है. जब कभी भी स्टूडेंट्स, जो नंबर हमारे पास में वंस प्लेस होता है वो अगर लेस देन होता है 5 से, तो जो हमारा वंस प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो टेंस प्लेस होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है. 2 का क्या हो जाएगा, 2. तो 22 किसके नियरेस्ट हो गया स्टूडेंट्स, 20 के नियरेस्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 28. 28 अगर आपसे पूछा जाए कि 28 किसके नियरेस्ट है, तो यहाँ पे आप वंस प्लेस को देखेंगे. ठीक है, हम लोग चेक कर, जब नियरेस्ट टेंस चेक करते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा किसको देखते हैं, वंस प्लेस को देखते हैं. ठीक है, वंस प्लेस हमारा 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है. वंस प्लेस हमारा क्या है, 8. 8 क्या होता है, ग्रेटर देन 5. 8 इज़ ग्रेटर देन 5. 8 क्या है, 5 से बड़ा है. जब कभी भी ग्रेटर देन 5 होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वंस प्लेस है वो तो 0 लिखते हैं वंस प्लेस की जगह पे, और जो हमारा टेंस प्लेस होता है वो क्या होता है, 1 नंबर इंक्रीज हो जाता है.
तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो हमारा जो 28 नंबर है वो किसके नियरेस्ट हो गया, 30 के नियरेस्ट हो गया। अगर लेस देन होगा स्टूडेंट्स तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 0, और टेंस प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर हमारा ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स तो हमारा वंस प्लेस तो 0 हो जाएगा, बट जो हमारा टेंस प्लेस है ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया 22 और ये हो गया 28, ठीक है। अब हमारे पास में एक नंबर है यहाँ पे 25, जो कि कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, मिडल प्लेस पे है स्टूडेंट्स, ना तो इधर है और ना तो इधर है, कहाँ पे है स्टूडेंट्स, मिडल में है, ठीक है। और 25 से ही हमारी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, देख रहे होंगे आप लोग इंक्रीज़ बढ़ती जा रही है आगे। और इधर 25 से इधर साइड में, लेफ़्ट साइड में क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, कम होती जा रही है। तो अब अगर हमसे पूछता है कि 25 किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टेंस में अगर इसको बताना है कि किसके नियरेस्ट टेंस है, तो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, जो इसका वंस प्लेस है, वंस प्लेस को हम देखेंगे। वंस प्लेस क्या है स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल है, ठीक है, 5 है यहाँ पे, 5 के इक्वल है। चेक किसके करते हैं, 5 से चेक करते हैं। तो हमने जब देखा इसको 5 है यहाँ पे, तो 5 क्या हो गया, 5 के इक्वल हो गया। और स्टूडेंट्स जब इक्वल होता है तो हमारा वंस प्लेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो हमारा टेंस प्लेस होता है वो एक नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर 5 है या 5 से अबव है, ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है, तो हमारा जो वंस प्लेस होगा वो 0 हो जाएगा, और जो हमारा टेंस प्लेस होगा वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25 भी किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 30 से। 3 रूल्स हैं इसको देखने के स्टूडेंट्स, लेस देन देखेंगे, ग्रेटर देन देखना है हमको, और इक्वल टू देखना है, ठीक है। लेस देन होगा तो टेंस प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा तो टेंस प्लेस एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इक्वल टू होगा तब भी एक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 1.8, एक्सरसाइज 1.8, इसमें जो आपका स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, क्या नंबर लिखा हुआ है, 12 को स्टूडेंट बताना है नियरेस्ट 10 है, 10 से नियरेस्ट 10 कितना होगा, ठीक है। 12 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसके वंस प्लेस को देखेंगे हम लोग, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। वंस प्लेस कितना है, 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस पे कोई भी चेंजेस नहीं हो जाएगा। तो जो हमारा 12 है वो किसके नियरेस्ट टेंस है, 10 के, किसके नियरेस्ट टेंस है, 10 के। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 24, वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 4, 4 इज लेस देन 5, 4 क्या है, लेस देन 5 है, सो 4 के प्लेस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, और जो हमारा टेंस प्लेस है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 20। तो 24 इज नियरेस्ट टेंस टू द 20। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं। अगर लेस देन 5 है तो वंस प्लेस 0, टेंस प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं, और अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन है तो वंस प्लेस तो हमारा 0 हो जाता है, बट टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस आपने पढ़ लिया, आप क्या पढ़ना है हमको, नियरेस्ट 100। Nearest hundreds. Page number 19. Students, page number 19 पे आप लोग देखिए एक number line बना हुआ है students. आपको दिया गया है
300, 310, 320, 330, 340, 50, देन कहाँ तक लिखा हुआ है 400 तक। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी नंबर दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 310, ठीक है, 310 हमारा नियरेस्ट 100 में किसके नियरेस्ट होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा नियरेस्ट 10 था उसमें हम लोग वंस प्लेस चेक करते थे, अब हमारा नियरेस्ट क्या है 100, तो इसमें हम लोग कौन सा प्लेस चेक करेंगे, टेंस प्लेस को चेक करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा वंस प्लेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो जीरो ही हो जाता है, बट जो हमारा टेंस प्लेस होता है स्टूडेंट्स, इसको हमको चेक करना है। टेंस प्लेस पे कितना दिया गया है 1, ठीक है, 1 क्या होता है लेस देन 5, 1 क्या होता है लेस देन 5, 5 से छोटा होता है, तो अगर हमारा जो टेंस प्लेस है लेस देन 5 है तो हमारे टेंस प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और हमारा 100 प्लेस में भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो जो हमारा 310 है वो किसके नियरेस्ट हो गया स्टूडेंट्स, 300 के। नाउ ओपन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर टू में स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट में स्टूडेंट दिया गया है 197, ठीक है, 197 नियरेस्ट 100 चेक करना है इसमें, तो ये हमारा जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और जो हमारा टेंस प्लेस है इसको हमको क्या करना है, चेक करना है। टेंस प्लेस क्या है हमारा 9 क्या होता है इज ग्रेटर देन 5, 9 क्या है हमारा इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो जो हमारा 9 है ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जो हमारा 100 प्लेस है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया स्टूडेंट्स 200, तो 197 जो हमारा नियरेस्ट 100 से, किसके नियरेस्ट 100 से, 200 के नियरेस्ट है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 456, ठीक है, अब हमारा जो वंस प्लेस है, जब भी हम लोग नियरेस्ट 100 चेक करते हैं तो हम वंस प्लेस को पहले ही 0 कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा टेंस प्लेस है इसको चेक करेंगे, 5 क्या है स्टूडेंट्स इक्वल टू 5 है, तो टेंस प्लेस पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो हमारा 100 प्लेस है इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस प्लेस में टेंस प्लेस को 0 करके, और जो उसके पहले का प्लेस होता है, जैसे टेंस प्लेस में कर रहे थे जब नियरेस्ट 10 कर रहे थे, और अब क्या करना है हमको नियरेस्ट 100 चेक करना है, तो हम लोग 4 में क्या करेंगे 1 और ऐड कर देंगे, 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा, तो किसके नियरेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 500 के। क्लियर हुआ, इसमें हमको हम लोग जब नियरेस्ट 10 कर रहे थे स्टूडेंट्स, नियरेस्ट 10, ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेस होते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 56, एक होता था वंस और एक होता था टेंस, ठीक है, तो हम लोग वंस प्लेस को चेक करते थे कि नियर क्या है, ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, और इक्वल टू 5 है स्टूडेंट्स, और जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा 456, नियरेस्ट 100 चेक करना है स्टूडेंट, तो वंस प्लेस को हम लोग 0 कर देते हैं, और किसको चेक करते हैं, टेंस प्लेस को, टेंस प्लेस क्या है हमारा, ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, या इक्वल टू 5 है, अगर लेस देन 5 है तो 100 प्लेस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, अगर इक्वल टू है तो हमारा जो 100 प्लेस है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो भी हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट हंड्रेड्स आपको घर पे इसको रिवीजन करना है, ठीक है, और इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस।